तू ख्याल रखना, तक्षिका की आंखों में बिल्कुल भी मत देखना, नहीं तो तू पत्थर की बन जाएगी। मतलब इन सभी ने तक्षिका की आंखों में देखा और फिर पत्थर के बन गए, मतलब वो भी यही कहीं होगी। लगता है शिवांगी इसी मंदिर में छिपी है। ये जगह मुझे इतनी अजीब सी क्यों लग रही है? कुछ तो ऐसा है जो बहुत अजीब है। ओह, तो शिवांगी ने मुझे यहां जानबूझ के बुलाया है, पर क्यों? इच्छाधारी नाग इतनी दूर इस मंदिर में क्यों आया है? तेरी मौत। हाँ तक्षिका, आज तेरी मौत आई। अच्छा, मरने से पहले मौत का चेहरा नहीं देखना चाहती तुम? मौत से डर लगता है? मौत खुद ही एक डर है। नागिन, इच्छाधारी नागिन, तू नागिन है तो मैं नाग रानी। आज इस पहाड़ी पर एक और नागिन की मौत होगी। मौत! शिवांगी यहां है तो वो दिख क्यों नहीं रही? लौकी यहां क्या कर रहा है? वो यहां क्यों आया है?
सजा हाथों से नहीं आंखों से मारती है। हाँ, तू आंखों से मारेगी पर मुझे नहीं शेषा को, इसीलिए तो तेरा सर काटने आई हूं। पर इसके लिए मुझे तेरे करीब आना होगा, तू खुद मुझे करीब लाएगी। मरने से पहले अपनी मौत का चेहरा नहीं देखोगे तुम? ठीक है, मत देखो। मैं हूं तक्षिका, जहर से भी ज्यादा जहर। तू अब मेरे जहर से मरने के लिए तैयार हो जा। शेषा, तेरी मौत की चाबी मुझे मिल गई है। रॉकी, रुचिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रॉकी इतनी रात गए शिवांगी घर से बाहर जा रही थी, मुझे लगा कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। रुचिका, तुम यहाँ पर ही शिवांगी पर शक कर रही हो तुम? नहीं नहीं रॉकी, मेरा मतलब है कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, पर मतलब शिवांगी के साथ। वो इतनी रात गए छिपते छिपाते घर से बाहर जा रही थी, मुझे लगा कि पता नहीं शायद कोई जबरदस्ती कहीं बुला रहा होगा, तो इसलिए मैंने उसका पीछा किया और मैं यहाँ तक आ गई। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं रुचिका? कैसे बताती रॉकी, तुम घर पे नहीं थे और वो घर से निकल रही थी, वक्त बहुत कम था, तो मुझे लगा कि शायद मैं शिवांगी की मदद कर सकती हूँ। और वो यहाँ इस पहाड़ी पर आई और फिर? और फिर क्या? और फिर वो इस मंदिर में आई, पर जब वो चल रही थी तो मैंने उसे देखा कि उसके पीछे कोई नहीं था, वो अपनी मर्जी से यहाँ आई। रॉकी, मुझे लगता है कि कुछ तो सही नहीं है, वो यहाँ क्यों आई? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शिवांगी यहाँ पे क्यों आई। रुचिका, मुझे तो लगता है, लगता नहीं, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो इच्छाधारी नाग यहीं पर है। रॉकी, कहीं वो नाग शिवांगी तो नहीं? आ जा नागिन, आज रॉकी के सामने भी आ जा। हे शिव जी, ये तो जादुई आईना है, इसके अंदर मेरा असली रूप दिख रहा है, किसी ने देख लिया तो? अरे शिवांगी, जरा सुनना तो। देखो मेहमान अभी वो, मैं ना पकौड़े के बेसन में नमक डालना भूल गई थी, एक मिनट में आई। ठीक है रॉकी। क्या हुआ शिवांगी, इस तरह क्यों भाग गई? हाँ, कह रही थी कि पकोड़े के बेसन में नमक डालना भूल गई। रियली? कम ऑन रॉकी, तुमने सबको चेक कर लिया लेकिन इस आईने में शिवांगी को चेक नहीं किया। शिवांगी को चेक करने की क्या जरूरत है? मेरा दिल कहता कि वो शिवांगी नहीं है। सो हम में से भी कोई नहीं है, तुमने हम सबको चेक कर लिया लेकिन शिवांगी को चेक नहीं किया। रुचिका, उसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। ऑलराइट, रियली? मतलब तो मुझ पे, बड़ी माँ पे, घर पे, सब पे शक कर सकते हो लेकिन शिवांगी पर नहीं, राइट? कैसी बात कर रही हो मैं, तुम भी ना। ओके, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, राइट? शिवांगी, शिवांगी। नागिन, ये तेरा आखिरी रोमांटिक सीन है तेरे पति के साथ। शिवांगी जरा यहाँ ना। क्यों बुला रहे हो? जरा एक आईना ही वही चीज है शायद जिसके बारे में शेषा बता रही थी कि बाबा जी ने दिया है। अगर रॉकी ने मुझे उस आईने में देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं एक नागिन हूं। क्या हुआ? Are you happy? शिवांगी, वो ये आईना बाबा जी ने दिया था, उन्होंने कहा था कि इस घर में जो भी इच्छाधारी नागिन नागिन है इसके सामने आएंगे तो उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। तो
तो तुम्हें लगा कि वो इच्छाधारी नागिन मैं हूँ? नहीं शिवांगी, मेरा ये मतलब नहीं था, वो I'm really sorry. नहीं तुम सॉरी मत बोलो, मुझे पता है कि तुम मुझ पर कभी शक नहीं करोगे। हाँ किसी और के कहने पर मेरी परीक्षा जरूर ले सकते हो। रॉकी बेटा मैं भी आया शिवांगी। चलिए जी आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अब बस निधि जी के आते ही रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी असी चलते हैं, फिर मिलांगे। हाय 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 मेरा दिमाग सुन हो गया, मेरा सिर सो गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान यकीन ही नहीं हो रहा है कि शिवांगी नागिन है, मतलब एक एक करके वही सबको मार रही थी। रॉकी से शादी करके वो हम सबको मारने आई है। उई माँ मुंह बंद कर वरना नागिन घुस जाएगी। मुझे तो पहले से ही शक था और आज मैंने साबित भी कर दिया। अरे ये गर्म पानी ने भी मेरे शरीर को ठंडा कर दिया है। मेरी बहू शिवांगी वो नागिन है, काली नागिन। देखना एक दिन वो मुझे भी मार देगी। अब तू ही बता काली नागिन मैं करूं भी तो क्या करूं? अब जो करना है वो मैं करूंगी। अच्छा तो करना, जल्दी कर, वरना वो जो गोल्डन स्नेक है ना, देखना एक दिन वो हम दोनों की लाशों की बारात बिछा देगी। सबसे पहले आज रात मुझे मेरी महाशक्तियां हासिल करनी होगी। अरे आज रात सारा मुझे भी तो पता चले आज रात को कौन सा ढोल बजाने वाली है तू। ढोल नहीं, आज पूरी कायनात डंके बजाएगी। आज की रात, आधी रात से पहले मुझे अपनी महाशक्तियां हासिल करनी होगी। अरे छोड़ ना, अगर तुझे वो शक्तियां हासिल होगी तो जाहिर सी बात है कि शिवांगी को भी वो सारी शक्तियां हासिल हो जाएंगी। नहीं मोटी, ये शक्तियां सिर्फ 100 साल पुरानी नागिन को ही मिलती है। आज शेषनाग का जन्मदिन है और आज की रात हर साल महाउत्सव होता है। हवाओं में विशाल शिवलिंग प्रकट होता है और शेषनाग की आरती के बाद सारे नाग नागिन शिवलिंग के सामने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तांडव करते हैं और अगर शिवजी प्रसन्न हो जाए तो शिवलिंग जमीन से 2 फुट ऊपर उठता है। बस उसी वक्त 100 साल पुराने नाग नागिन शिवलिंग को पार करते हैं और फिर उनके अंदर महाशक्ति आ जाती है। अरे छोड़ ना, ये आर पार छलांगे लगाने वाले खेल तो हम बचपन में बहुत खेल चुके हैं, कुछ नहीं होगा। ए ओवर एक्टिंग की दुकान, ये कोई साधारण खेल नहीं है। शिवलिंग के नीचे अंगारे होते हैं और वो शिवलिंग सिर्फ कुछ पलों के लिए जमीन से उठता है और फिर नीचे आ जाता है और उस वक्त अगर कोई नाग या नागिन उसके नीचे फंस जाए तो वो मर जाता है। अब नहीं नहीं काली नागिन, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? छोड़ ना ये खेल, छोड़ दे, मैं तुझे वहां छलांगे लगाने के लिए नहीं जाने दूंगी, छोड़। देख मोटे समझने की कोशिश कर, अगर आज रात मैं उस शिवलिंग को पार कर जाऊं तो शिवांगी तो क्या, पूरा नागलोक अगर एक हो जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा मतलब अगर तुझे वो शक्तियां मिल गई तो हम शिवांगी को मार सकते हैं? हाँ पर एक ही शर्त, आज रात आधी रात से पहले मुझे शिवलिंग पार करना होगा। आज रात को ऐसा कौन सा उत्सव होने वाला है जो 100 साल पुरानी नागिन को महाशक्तिशाली बना देगा? गुरुदेव जानते होंगे, उन्हीं से पूछती हूँ।